देखो जो प्रहलाद महाराज जो कथा है कहते भागवत का सप्तम स्कंध में कथा आती है, इसलिए भागवत में भागवत का 10 लक्षण है। 10 लक्षण में जो सप्तम स्कंध का जो लक्षण है वो उत्ति है। उत्ति का मतलब होता है कर्म वासना। ये पूरा जो विषय है प्रहलाद महाराज की केवल कर्म वासना की ऊपर में दिखाए है। उसमें एक तरफ में प्रहलाद है और दूसरे तरफ में हिरण्यकश्यपु। ये प्रहलाद कैसे हुए, ये हिरण्यकश्यपु कैसे हुए। प्रहलाद का मतलब होता है प्र मतलब पूर्ण रूप में, लाद मतलब होता है आनंद। जो पूर्ण रूप में जो आनंद है, दूसरे तरफ में कौन है बोले हिरण्यकश्यपु। हिरण्य मतलब होता है सोना और कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, जिसका बिस्तरा पूरा सोने का। सोने का मतलब सोने में सारे कली का स्थान सोने में दी गई है। सारे जितने कली का स्थान है मतलब जो कली को ऊपर जो सोया हुआ है, इसलिए दूसरे तरफ में। अभी प्रश्न है ये प्रहलाद कैसे हो गए और ये हिरण्यकश्यप कैसे हो गए। पूरी ये सप्तम स्कंध में वही चीज को दिखाया। कहते ये प्रहलाद कब होगा, कहते जब ये मातृगर्भ में थे, जब इंद्र ने आक्रमण करके इनकी पत्नी को पकड़ करके ले जा रहा था, इतने में श्री नारद जी आ गए। बोले तू क्या कर रहे हो। बोले मेरे अंदर में कोई बुरी वासना नहीं, एक पिता जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यपु सारा दुनिया में टहलका मचा दिया और हमको मार भगा दिया। अगर इसका बेटा